मुझे लगता है इनकी वजह से मिल सकता है आपसे जाना चाहूंगा एज एन आर्टिस्ट एज एन एक्टर आपको जब अवार्ड दिया जाता है तो एक एक्टर के उसके आगे काम के कितना वो हेल्प करता है एनर्जी देता है यार मुझे लगता है कोई भी छोटी चीज़ है अवार्ड तो बहुत बड़ी चीज़ है आपको बड़े प्लेटफॉर्म पे ये जो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं तो ये बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे करते हैं बट एक नॉर्मल इंसान भी अगर मिलते हमें और जब सेल्फी लेते समय कुछ दो शब्द बोलते हैं वो दो शब्द ही दूसरे दिन काम करने में मज़ा आता है मुझे लगता है ये तो हम ये फील्ड की बात करें वर्कआउट करने के बाद आप छोटी टी शर्ट पहनते हो आपके बाइसेप देखे बोलते भाई बॉडी अच्छी बनाए दूसरे दिन थोड़ा ज़्यादा मारते हैं हम लोग देखो है तो बहुत मुझे लगता है ज़रूरी होता है लाइफ में घर वाले लोग हो या फिर बाहर वाले हो या कोई भी हो अप्रिशिएशन बहुत ज़रूरी होता है दूसरे दिन मोटिवेट करता है काम करने के लिए भाई मैं आपसे जानता हूँ अनिल कपूर जी जो आप होस्ट कर रहे हैं मैं होस्ट हम सभी के बीच में क्या लगता है कैसा रहेगा इस बार माहौल बिग बॉस कुछ टाइम तक सलमान भाई को मिस करेंगे लोग क्योंकि उनका उनकी आदत हो चुकी है बट मुझे लगता है अनिल कपूर सर का एक अलग और है अलग चीज़ और नए लोग भी इन्वॉल्व हो जाएंगे उसमें तो मज़ा आएगा सर बात कर रहे हैं जी योगा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फिटनेस का क्योंकि वो हमें पेशेंस देता है सो 21 जून इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उस पर क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को कि करना चाहिए कि नहीं मैं तो यार मैं कहूँगा जितने सेलिब्रिटी होते हैं मुझे लगता है सालों से योगा कर रहे हैं अगर हम वो क्या कहते हैं यंग रहने के लिए अलग अलग टैबलेट आती है बट योगा करोगे तो कोई लेने की ज़रूरत नहीं है ये मैं बोल रहा हूँ बट मैं योगा नहीं करता हूँ मैं सच्ची कहूँगा मैंने ट्राई किया था मेरा पैर वो जो पाल्टी अपन मानते हो ना जी पालक वो मेरी होती नहीं है बट मैं ट्राई करता हूँ योगा करने का बट योगा करना बहुत ज़रूरी है तो हैप्पी योगा डे सर जी खतरों के खिलाड़ी में क्या एडवाइस वर्कआउट ही होता है मतलब उन्होंने बहुत मेहनत करके गए मुझे लगता है जब उन्होंने साइन किया था तो उन्होंने दो महीने पहले से उनका जो चीज़ था ट्रेनिंग थी वो चालू हो चुकी थी बाकी उधर वो लक होता है डिपेंड आपका लक कैसे चल रहा है तो होपफुली वो अच्छा ही करेंगे होपफुली ट्रॉफी जीत के ऐसे सवाल मत पूछो मेरे अंदर से कुछ कुछ निकलता है फिर यार शालीन बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है बिच्छू तो अभी काटा है उसको कुछ कहाँ कहाँ पे काटा हुआ है यार मत पूछा करो यार मैं भूल जाता हूँ कैमरा पर वो बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग है उसको काटने से डर नहीं लगता कुछ होता भी नहीं शालीन लव यू ब्रो यार मत